आप एडेस एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्यारा सा बड़ा सा जहाज बनाना। तो उसके लिए आपको एक कागज चाहिए और कुछ भी काटने के लिए कुछ भी मैंने स्केल लिया, आप कैची या कटर भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जहाज बनाना बहुत ही आसान होता है, पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो पहले हम इसको चौरस आकार में काट लेंगे बराबर से। आप पहले से चौरस आकार का कागज ले सकते हैं अगर आपके पास कुछ काटने का सामान ना हो तो। ये अच्छे से हमने काट लिया इसको, ये चौरस आकार का बन गया। अब इसको हम इस तरफ से ऐसे आधा करेंगे और इस साइड से भी हम इसको आधा कर देंगे। ये हमने कर लिया। तो अब हम इसको, ये जो लाइंस दिख रही है चौरस आकार की, उसमें से आधा करना है, जैसे कि ये त्रिकोण आकार का बन जाए। हर साइड से ऐसा ही करना है। अगर अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे कागज़ के खिलौने और क्यूब्स के वीडियो डालता हूँ। आप दो अलग अलग प्रकार की नाव देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, आई बटन पे मैं डाल दूंगा। तो ये हम चारों साइड से ऐसा कर लिया। अब पीछे पलटा के फिर से वैसा ही करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें खोल के इस साइड से भी ऐसे मोड़ना पड़ेगा। हमने एक साइड से ही मोड़ा था तो दूसरी साइड से भी मोड़ दिया। तो अभी इसको पीछे करेंगे और ये जो चौरस आकार का इस साइड भी दिख रहा है उधर से ये ऐसे डाल देंगे। इसको भी मोड़ लेंगे और ये लास्ट वाले को भी मोड़ लेंगे। दूसरा कोई आपको अगर बनाना हो कागज के खिलौने तो आप बना मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अवश्य बना के दूंगा। तो अभी ये जो दिख रहा है इधर इस साइड, उससे भी ऐसा आधा करना पड़ेगा। तीन बार हमको ऐसा करना पड़ेगा ये स्टेप। इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो ये हमने चारों साइड से ऐसे तीन बार ऐसे त्रिकोण आकार का मोड़ लिया और उसके बाद इसको पलटा देंगे। और ये जो दो अपोजिट साइड्स लेंगे और उसमें से ऐसे दबा के ऐसे हम कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा जहाज का शेप आ जाए। फिर से बता देता हूँ, ये जो ऐसा दिख रहा है उसको ऐसे इधर से ऐसे दबा के ऐसे मोड़ लेंगे। दूसरी साइड से भी ऐसा ही करेंगे। ये मोड़ लिया। अब हमें ये स्टेप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है इसको और इसको हमें खोल के ऐसा कर देना ताकि ये जहाज जैसा बन जाए। तो इसे आप ऐसे टब में भी तैरा सकते हैं और बारिश के पानी में भी तैरा सकते हैं। देखा दोस्तों कितना आसान था। आप इसको आराम से नदी में तैरा सकते हैं और अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी चैनल टॉप आइडियाज एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।